वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं विज्ञान का एक और नया वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है लेंस सूत्र। ये जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ये लेंस सूत्र है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अंतर केवल यहाँ चिन्ह का है। यहाँ पर लेंस सूत्र में ये माइनस का चिन्ह आएगा, 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, बाकी सूत्र सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लेंस सूत्र पूछता है तो लेंस सूत्र लिखा जाएगा, ये माइनस का चिन्ह इसमें होगा, और दर्पण सूत्र है तो उसमें प्लस का निशान होगा। बाकी वैल्यूज जो हैं वो वी यू और एफ वो बिल्कुल एज इट इज हैं। ठीक है, जहां पे वी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जैसे दर्पण सूत्र में थी वैसे यहाँ पर भी मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। यू जो है वो बिंब यानी वस्तु की दूरी है, मात्रक सेंटीमीटर है। एफ फोकस की दूरी है, फोकस दूरी है, मात्रक सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, वो ये है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। इन बातों को हमेशा याद रखा जाए। ठीक है, और वस्तु की दूरी पहले की तरह वैसे ही जो यू लिखते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो वस्तु होती है वो लेंस या दर्पण के बाई साइड लेफ्ट साइड में रखी जाती है, इसलिए यू हमेशा ऋणात्मक रहता है। ठीक है ना, ये कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार इसका मात्रक जो ये जो मान है वो ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, चैनल पर आप जाइए, चैनल पर आपको अलग अलग जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स लिख सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जब तक आप अच्छे से वीडियोस को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आप जरूर जरूर इनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड मीका सक्सेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।